क्या बीमारी है इनको? ठिलिया कहे ले जा रहे हो? एम्बुलेंस नहीं दिए क्या? एम्बुलेंस नहीं दिए? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीर सामने आई है। एक मरीज को हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसके परिजन उसे ठेले पर ले जाने को मजबूर हो गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। भर्ती तो यहाँ ट्रामा ले जा रहे हो? सिविल ने देखा, मतलब ट्रामा उन्होंने रेफर किया है लेकिन वो भर्ती नहीं लिया है ना, तो कोई एम्बुलेंस नहीं दी आप लोगों को। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कालीगंज। बताया जा रहा है कि हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल से मरीज को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन सिविल अस्पताल की ओर से मरीज को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में परिजन मरीज को ठेले पर लेकर ट्रामा सेंटर के लिए निकल पड़े। वहीं इस मामले पर सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए निरीक्षण किया गया तो इमरजेंसी में 3 डॉक्टर और अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस मौजूद थी। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक 3 डॉक्टर इमरजेंसी में रहते हैं और अभी भी मौजूद है। मैं खुद देख के आया हूँ वीडियो को देखने के बाद, और एम्बुलेंस भी मौजूद है हमेशा। जो भी मरीज, जैसे कल 4 मरीज शिफ्ट हुए हैं, यहाँ से रेफर हुए, चारों एम्बुलेंस से गए हैं। अब उनको अगर अस्पताल में आते हैं और एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो सबको तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा कोई भी मामला नहीं होता कि किसी को अगर जरूरत है और एम्बुलेंस ना दी जाए।